राम राम भाई। सारा भाइया ने आज रिव्यू कर रहे हैं अपनी होंडा साइन एसपी का, तो एक बार लुक देख लो। ये पीछे से देख लो, ठीक है भाई। अब आप इसकी हेडलाइट चेक करो, फुली एलईडी इसमें हेडलाइट दे रखी है। बाद में आपको मैं इसको ऑन करके दिखा दूंगा। साइड में आपको ये छोटी सी हल्की सी फेयरिंग दे रखी है। वाइब्रेशन आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है जी। ये अपनी किक हो गई, 125 सीसी का इंजन है, 5 गियर है। देख लो जी, ये बात करा अगर मीटर की, फुली डिजिटल आपको इसमें मीटर देखने को मिलता है। ये देखो, ये फ्यूल हो गया अपना, ये स्पीड हो गई, ये टाइम भी दिखा रही, 5:08, 2373 किलोमीटर चल गया है। ये गियर इंडिकेटर हो गया, ये सर्विस का हो गया। यहाँ से अपना ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये अपनी माइलेज जो कितनी एवरेज दे रही है, और आपकी ये रेंज होगी कितनी रेंज बच रही है। तो फीचर की बात करें तो इस सेगमेंट में बढ़िया दे रखे हैं इसमें, और किसी बाइक में इस सीसी 125 सीसी में देखने को नहीं मिलता ये सब, ठीक है भाई। अब देख लो ये स्विच क्वालिटी देख लो, और लाइट का जो है यहाँ पे, ये तो हो गया पास, और पीछे करोगे तो अपनी मेन लाइट होगी, ठीक है भाई। हॉर्न चेक करो, ठीक है जी। जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो और देख लो बढ़िया जो है, ये देखो स्टार्ट, कोई आवाज नहीं, देखो ठीक है जी। एक बार और करके दिखा देता हूँ, होगी बंद, ये देखो सेल्फ की कोई आवाज नहीं है। साउंड देख लो आप साथ के साथ इसकी, रेस दे भाई, अपनी ESP एनहांस्ड स्मार्ट पावर होंडा की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पीछे ग्रैब हैंडल की बात करें, इसकी पकड़ भी बढ़िया है, पसीने वसीने नहीं आएंगे, क्यों ये थोड़ा रबड़ सेम दे रखा है, ग्रिप मतलब बढ़िया बनेगी। इंडिकेटर आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर देख लो, और ये होगी अपनी LED हेडलाइट, हेडलाइट दिख रही भाई, ये बड़ी हो गई, छोटी कर, पास दे पास, देख लो जी बड़ी कर, ये अपनी LED हेडलाइट होगी। पीछे की लाइट और दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ब्रेक दबा, ये देख लो जी, ठीक है जी। एक चीज जो इसमें मिसिंग है वो है भाई स्टैंड लाइट, साइड स्टैंड, ये देखो स्टैंड लगाया, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। बाकी आप इसका गियर इंडिकेटर और देख लो, फोन पकड़िए एक बार यहाँ पे, ये देखो एक गियर डालता हूँ मैं, ये फर्स्ट गियर हो गया, ये आ गया फर्स्ट, अब ये सेकंड में, ये देखो सेकंड गियर आ गया, ठीक है भाई। जो चीज होगी अब बात करें भाई टायर साइज की, तो 80x218 इंच का इसमें आपने रिम देखने को मिलता है, और ये फ्रंट में डिस्क ब्रेकर, रियर अपने ड्रम मिलते हैं। रियर टायर का जो साइज है वो भी 80x218 इंच का मिलता है, सेम है दोनों टायर को साइज, ठीक है भाई। बस सीट, सीट भी अपनी पूरी लंबी चौड़ी है, 3 जने मतलब आराम से बैठ जाओगे आप, कंफर्टेबल है सीट पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है भाई। तो भाई अब बात करें पावर की, तो इसका इंजन 10.8 BHP की पावर निकालता है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और फ्यूल टैंक जो है वो आपको 10.5-11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और एवरेज की बात करें
तो एवरेज भी आपने वो 50-55 की निकाल देगी। अब मेन चीज़ रहेगी भाई प्राइस, तो अपना गुड़गांव हरियाणा में हमने जो पड़ी है टोटल ऑन रोड 92,000 रुपये की। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।